वेलकम दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटका बिरयानी। मटका बिरयानी है तो ऑब्वियसली मटका लगने वाला है, इसे हम साइड में रखेंगे। ये है चिकन, चिकन 750 ग्राम है और उसके लिए लगने वाला है 2 प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च 7 से 8 हरी मिर्च है और 2 टमाटर। मैंने पहले से चावल भिगो के रखे हैं। चावल लगभग 1 घंटा आप भिगो के रखे, ये बासमती चावल है, देखिए इस तरह भिगो के रखे आप चावल। ये मैंने तला हुआ प्याज लिया है, ये 2 प्याज है बिरयानी के लिए। और ये दही, दही अच्छी तरह फेंट ले ताकि ये सारा लम्स है निकल जाए। ये हल्दी, ये लाल मिर्च का पेस्ट, मैंने लाल मिर्च का पेस्ट लिया है, आप अगर चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी ले। अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक, नमक हमें चावल में लगने वाला है। और ये तेल, ये पुदीना है और ये कोथिंबीर यानी धनिया। चलिए हम अभी शुरुआत करेंगे। पहले ऑयल डाल ले पैन में, मैंने पैन पहले से ही हीट करने रखा था, तो आप ऑयल डाल ले। अब इसमें हम खड़े मसाले डालने वाले हैं। खड़े मसाले में हम देखिए 3 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, ये काली इलायची, ये चक्रफूल, चार छोटी इलायची, चार लौंग, इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ये जो हमारा प्याज है ये डाल लेंगे। प्याज अच्छी तरह हम तेल में फ्राई कर लेंगे लाल होने तक। देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम ये जो टमाटर है ये डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये इसमें डाल लेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह भून जाए तब तक हमें पकाना है। अब इसमें हम ये हरी मिर्च हमारी डालेंगे। हरी मिर्च के बाद ये जो हल्दी है ये हम डालेंगे। और ये लाल मिर्च, लाल मिर्च मैंने पेस्ट लिया है, आप चाहे तो पाउडर भी ले। अब इसमें हम इसमें नमक अपने हिसाब से ले नमक डालेंगे।
अब इसमें हम ये चिकन है, हमने चिकन धो के रखा है, आप इसे 2 से 3 पानी में धो ले। अभी चिकन हम इसमें डाल लेंगे। अच्छा अच्छी तरह हिला ले। चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे हंडी में डालना है। जितना ये पानी छोड़ेगा उसमें ही इसे पका लेना है। अभी हम इसे ढककर लो फ्लेम पे एक पानी पूरा ड्राई होने तक पका लेंगे। हमें कुछ ड्राई मसाले भी लगेंगे, वो हम ले लेते हैं। अभी ये जायफल है, आधी जायफल, ये काली इलायची, इतना दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 4 लौंग है वो ले ले, ये जायत्री है आधी जायत्री, और कुछ काली मिर्च, और हमें इतना जीरा लेना है। ये हमारा नॉर्मल जीरा है, और ये इतना धनिया, और ये कुछ सफ़ेद तिल है, ये लेंगे। इसे हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा ही रहना है। और इसमें ये होने के बाद ये प्याज है, ये हम ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने ये मसाला इस तरह ग्राइंड किया है, जब तक ये चिकन हो जाता है तब तक हम दूसरे गैस पे चावल के लिए पानी रखेंगे। देखिए हमने ये पानी रखा है, इसमें हम नमक मिलाएंगे। पानी हमने निचोड़ लेना है, इसलिए हमें इसमें ज्यादा नमक मिलाना है। अब इसमें हम ये जो हरी मिर्च है इसमें हमने इस तरह कट की है, आधी आधी कट की है। देखिए अभी हमें इसमें ऐसे 2 कट करके 5 हरी मिर्च इसमें पानी में डालनी है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी में तेल मिला लेंगे, और उसमें कुछ खड़े मसाले हम डालने वाले, ये तेज पत्ता, दालचीनी, काली इलायची, ये चक्रफूल, हरी इलायची, और ये 4 से 5 लौंग, और कुछ हम शाही जीरा भी इसमें डालेंगे। ये शाही जीरा, ये वाइट विनेगर है, हम इसमें पानी में मिला लेंगे। और मेरे पास ये केवड़ा एसेंस है, केवड़ा एसेंस ज़रूरी है बिरयानी के लिए, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। देखिए अब इस स्टेज पे हमें ये चावल इसमें डाल लेना है, पानी को उबाल नहीं लाना है, अगर पानी को उबाल आएगा तो हमारे चावल सारे टूट जाएंगे। तो अभी इसमें हम चावल डालेंगे,
चावल मैंने 750 ग्राम लिया है, जितना चिकन हो उतना चावल। चावल हमें 80% तक कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है, क्योंकि इसे चावल हम चावल और चिकन हमारे मटके में जाने वाली है। अब हम इसमें ये दही, ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था, ये हमें सारा डालना है। ये हमारा पुदीना और ये धनिया। धनिया हमें सारा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसे चावल में डालना है। और इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे। ये पूरा ड्राई होने तक हमें इसे पकाना है, जब तक ये सारे मसाले एक साथ मिल जाए। देखिए हमारा चावल अब 80% पक चुका है। अब हम इसे बंद कर लेंगे और ये जो पानी है पूरा हम इसे इस तरह निकाल लेंगे। एक छन्नी से हम निकाल लेंगे इसे पानी को। निकाल लिया है इसका, हम अपना चिकन चेक करेंगे। देखिए इसे और थोड़ा सा पानी हम ड्राई करेंगे, पूरा नहीं सुखाना है, सिर्फ थोड़ा सा। देखिए अभी इस टाइम पे हमें ये साइड में रखना है। मैं थोड़े से ये दो तीन जो कोयले हैं ये थोड़े जला ले रही हूँ। अभी हम अपना मटका अब मटके में हमें पहले ये जो हमने अपना चिकन लिया है एक लेयर चिकन का अंदर डालेंगे। चिकन अच्छी तरह हम फैला लेंगे और इसमें हम ये हमारे चावल है वो डालेंगे। हमें दो लेयर करनी है इसकी।
अभी एक लेयर डालने के बाद चावल के ऊपर हम थोड़ा हम अपना घी डालेंगे और थोड़ा हरा धनिया, और फिर ये जो बचा हुआ चिकन का है ग्रेवी, ये हम सारे डालने वाले हैं। अब ये जो चिकन है ये सारी तरफ मटके के हर तरफ फैला लेंगे और ये बचा हुआ चावल हम इसमें डालेंगे। हमने अपना पूरा चावल इसमें डाल लिया है। अब इस पर हम थोड़ा घी डालेंगे हम। और ये बचा हुआ पूरा धनिया हम इस पे अच्छी तरह डालेंगे। हम इसे मटके को अच्छी तरह फॉइल से बंद कर लेंगे ताकि इसकी जो भाप है बाहर ना आ सके। एक लोहे की तवा लेके स्लो गैस करें और इस पे हमारा ये जो मटका है धीरे से रखें। और ये जो कॉइल है हम इसके ऊपर रखेंगे। ये जो कॉइल है कोयला जो है हम इस पर इस तरह रखेंगे और इस मटके को लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक हम कुक होने देंगे। अभी इसे दम होने तक 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर लेंगे और ये जो कोयला है ये साइड में निकाल लेंगे। और इसे हम नीचे उतार लेंगे। ये हमारी मटका बिरयानी तैयार हो चुकी है। देखिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी अभी मटका बिरयानी तैयार हो चुकी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और भाइयों और बहनों मुझे आपके कमेंट करना अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट कर ले और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से हमें अपने एक वीडियो मिल जाएगा और हमें अच्छा भी लगेगा, तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें।